please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. समय की बड़ी खबर है, एनएसए अजीत डोवल, राम माधव, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी एक अहम बैठक चल रही है कश्मीर पर और इस बैठक पे एक बड़ा फैसला होना हो सकता है। हमारे सोर्सेज, हाई लेवल सोर्सेज ये कह रहे हैं, पीएम मोदी के घर पर बैठक चल रही है, एनएसए अजीत डोवल भी वहां पर मौजूद है, इस समय की बड़ी खबर है, ये बड़ी स्टोरी है। मैं सीधा रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले हमने जो वीडियो प्ले करा वो वीडियो मैं दोबारा प्ले करता हूं, जिसमें औरंगजेब से, शहीद औरंगजेब से पूछा जा रहा है कि समीर टाइगर, आतंकी समीर टाइगर को मारने के अंदर कौन कौन था, मेजर शुक्ला के साथ कौन कौन था, जवाब दीजिए। क्या आज शर्मिंदा है बाबर कादरी? आपके सामने हमने इस वीडियो को प्ले करा, ऑडियो को प्ले करा। कॉम्बेटेंट से कॉम्बेटेंट को मारा, देखें कॉम्बेटेंट जो भी यूनिफॉर्म पहनता है, जो भी बंदूक उठाता है, उसको पता है उसकी डेस्टिनी क्या है। मगर क्वेश्चन है, वकास अहमद अभी नापुरा पुलवामा में मारा गया, उसकी बात नहीं करते। यहाँ पे दो पीएसओ कल, सर शर्म नहीं आ रही बाबर कादरी तुम्हें मारे गए? बाबर कादरी तुम्हें शर्म नहीं आ रही बात कहते हुए? आप मुझे बताएं, शर्म आनी चाहिए, यू शुड गेट अ शेम टुनाइट। शर्म नहीं आती क्या? किसे ना, मुझे आप मुझे बताएं आपकी शर्म कहाँ है? अरे शर्म कहाँ है अमित जी? इस अरे कम से कम रमजान करो, तकाजा रखो, कश्मीरी आवाज सुने। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस नेशनल टीवी में बाबर कादरी या नबी जैसे लोग हैं। आपको इस पे जो औरंगजेब खान के मालिक, लेफ्टिनेंट फराज के मालिक, जो एक्चुअल कश्मीरी हैं, जो कि जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है, ये तो गद्दार हैं, ये पाकिस्तान की आवाज बोलते हैं, वो है कश्मीर के आवाम की आवाज कि इन आतंकवादियों को सरहद के पार सर तीर गली से बाबर इनामुल नबी रुके गद्दारों रुके, उनकी बात सुनो, इनामुल नबी आराम से एक बात का जवाब दीजिए। क्या शर्म नहीं आई आपको ये देखकर? इस समय लाखों व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, करोड़ों व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इस देश के नंबर वन डिबेटर हैं। एक सेकंड तक रुकिए आप, शर्म नहीं आई वीडियो को देखकर, इस ऑडियो को देखकर जो एक्सक्लूसिवली इस समय हमारे पार में प्ले कर रहे हैं? क्या आपको शर्म आ रही है अभी जो आपने विकास छोटे बच्चे को मारा पुलवामा में? औरंगजेब का दुख नहीं है तुम्हें? सुजात बुखारी का दुख नहीं है? ये दिखाता है तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी कश्मीरियत दफन हो चुकी है दो गज जमीन के नीचे। सुशील नहीं, ये इनकी तरबियत दिखाता है। और ये दोनों लोग कश्मीर के जिहाद की तर्जुमानी करते हैं, ये उस जिहाद का चेहरा है जो टीवी पर आकर उसके ऊपर लिपा पोती करते हैं।